बस
यही दुआ है हमारी कि इन पूरे टीम के साथ, इनके साथ जितने भी टीम इसमें काम की है, चाहे वो ग्राउंड में हो या कैमरामैन में हो, सबका भविष्य उज्ज्वल हो, मैं दुआ ही दे सकता हूँ। आशीर्वाद तो मैं खुद ही अभी ले रहा हूँ। बेचारी भाई, क्या फिर से दोनों बिग बॉस में जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। हमने जितना करना था हम कर चुके हैं। हमारी असलियत जो लोगों को देखनी थी वो देख चुके हैं कि हमारी असलियत क्या थी। जिनको और दिखाना है वो दिखाएं। हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ था और करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए हमारे लिए वो प्लेटफॉर्म था सिर्फ अपने पहचान को बताने के लिए कि हम अंदर से जो है वो बाहर से भी उतना ही खुल है। और लोगों के पास मिलते हैं तो एक भाई की तरह, एक भविष्य की तरह, कि उनके प्यार में है, उनके दुलार में है। यही समझ लो ना, एक चेहरे पे कई चेहरे लगाते हैं लोग, वो समझ लेता वही दिखेंगे। हमारे दिल में है तो मैं जा रहा था वहाँ तो है ही। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इन्होंने काम किया है, तो मेरी दुआ है और शुभकामना है कि हम साथ में मिलकर जरूर काम करेंगे। ऐसा अवसर आया तो मैं जरूर भाव को याद करूंगा, क्योंकि अब इनको भोजपुरी बोलने में प्रॉब्लम तो होगी ना, तो पहले इनको सिखाना पड़ेगा मुझे। फिर चरवर बेचना पड़ेगा साथ में, उसके बाद हम करेंगे ना। हमारे भाई है कहाँ दूर, हम थैंक यू सो मच। थैंक यू अभी ऑल सारे जी। अमिताभ बच्चन ने इस बार आपका नाम लिया, कौन बनेगा करोड़पति में, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। वो तो हमारे पिता तो ले, और भोजपुरी नहीं, मुझे लगता है दृष्टि के भगवान है, और भगवान की जुबान पे अगर मेरा नाम आता है तो इससे बड़ा सौभाग्य मिलेगा। और उस भगवान को सलूट है कि कौन बनेगा करोड़पति में उन्होंने हमारा नाम लिया। इसके लिए दिल से धन्यवाद उस भगवान को कि उनके नजर में मेरा भी एक नाम है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात। लव यू। तुम्हारे भाई को डांस करने आता है सर? बोला 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 सर बोला ये दोनों, हाँ एक ये चल मैं अभी आ रहे हूँ श्वेता और ये बच्ची, ये दोनों पहले तो कोरियोग्राफर मेरे को डांस आया नहीं, इन लोगों ने जो मेहनत की मेरे पे डांस सिखाने की, पहला तो इन लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसे लोगों की जरूरत है। दूसरी प्यारी सी बच्ची, इन्होंने मेरा पूरा डिजाइन, कपड़े का डिजाइन का पूरा इसने किया, उसका भी इसने किया, तो ये ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दो जो अभी तक ना दिख रहे नहीं, और बड़े बड़े बेटे ना, तो कम से कम इन लोग को भी ना थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिलता है, समझे? तो आप लोग जरा एक बार प्रे करो। क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे भावु के साथ में? भावु के साथ में काम में मजा आता है, जैसे मतलब पता ही नहीं चलता है कि मतलब कोई इतने बड़े स्टार के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। भावु मतलब जिसके साथ मिल जाते हैं एकदम घुल मिल जाते हैं, और कोई उनके सामने मतलब नीचा नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, सब एक ही लेवल पे आ जाते हैं और एकदम दिल से काम करते हैं। क्या भावु को स्टेप सिखाना या कोरियोग्राफ करना डिफिकल्ट था के बराबर सीख लिया? निशा ने जो मेहनत किया लॉन्च हुआ इनका, क्या कहेंगे भाव का बर्थडे भी आज? मेरा बर्थडे? हाँ कर लिया था। एक कड़ा बर्थडे हो गया सर, गाने का बर्थडे सर। बहुत अच्छा लगा भाव को हमारे शुभकामनाएं आगे के, अभी वो बहुत छोटा काम किया है, तो बहुत छोटा है हमारे सामने भाव के सामने, ये आगे और बड़े लेवल पे करें हमारी ऐसी इच्छा है। पूरी दुनिया मेरी फैन है पर मैं भाव का फैन भी हूँ। टाइटल है लव का इंजेक्शन, सुन के क्या लग रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? और जहाँ भाव है वहां तो इंजेक्शन नहीं चाहिए। गाना कितना अच्छा लगा आपको, गाना सुन के कितना अच्छा लगा? ईशा जी का पहला वीडियो और पहला गाना है ये, इसके बारे में जी बोलिए ना जी, क्या कहेंगे ईशा जी के बारे में? इनका एक्टिंग कैसा लगा आपको वीडियो में? सर आपसे सवाल है, गोल्ड पहनना कितना पसंद है आपको? ये बचपन से कितना वेट है ये बात करें?
तो ये मतलब पहली बार आपने कब आपको लगा कि पहनना चाहिए बचपन से अब लव का इंजेक्शन लगाओ सर भाऊ लव का इंजेक्शन इनको फर्स्ट टाइम है उनका फर्स्ट टाइम है ये गाना उन्होंने किया है और हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ये फर्स्ट इसमें इतना अच्छा इन्होंने काम किया है। पहला तो वो गाने में जो ये पूरे चब्बी चब्बी जो हमारे प्रोड्यूसर थे डायरेक्टर थे उन्होंने तो चब्बी चब्बी करने को बोला क्योंकि वो वैसा गाना था उन्होंने वो अपना वेट बढ़ाया भी और उसमें डांस भी किया जो जो वो अच्छा हो सके तो हम लोग ने सोचा तो उससे ज़्यादा ही अच्छा किया इन्होंने। तो पहला तो आप लोग जितना भी है ना मीडिया वाला इनको सपोर्ट करो ये अभी आ गए हैं इसमें तो आगे भी बॉलीवुड में जितना हो सके इनको सपोर्ट करना। इसके पहले भी आपने कोई एल्बम किया कि इससे पहले एल्बम नहीं मैंने इसके पहले सबको मालूम मुंबई में काबा किया मुंबई मचा वो किया। अभी मैं एक वेब सीरीज करके आया हूँ यहाँ था अयोध्या में था वो वेब सीरीज का नाम है दौलतगंज बढ़ाया ऑटो बुलाया उसने एंड स्पेशली श्वेता पुजारा माय कोरियोग्राफर शी सपोर्टेड मी अ लॉट इन दिस आगे कर दिया आगे आशी जजुड़िया फॉर गिविंग मी अ बेस्ट बस वीडियो का थीम क्या है वीडियो में कहानी क्या है कहानी क्या है ये कहानी नहीं बोल सकते ये फुल मजे वाला वीडियो है बस लगाओ फुल डांस इसमें कोटे नाटक जरा भी नहीं हुआ प्यार मोहब्बत में धोखा नहीं बिका कुछ नहीं बस डांस करो बस और कुछ नहीं इसमें पंजाब का वो एलओसी सिंगर भी है उसमें भी गाना गाया और थोड़ा कुछ मैंने भी उसमें बड़बड़ाए वो अभी सुन लेना थोड़ी देर में तो बहुत मज़ा आया ये स्टार्टिंग में थोड़े नर्वस थे कि कैसे होगा क्योंकि फर्स्ट होता है ना जब किसी का भी हो फर्स्ट टाइम होता है ना तो फिर वो इतने सामने क्राउड के बीच में वो करना हाँ मगर को सैल्यूट है इसने फुल एकदम कॉन्फिडेंस से जो किया है ना उधर कितनी टिप्स आपने देना है मैं क्या टिप्स देगा वही मेरे को देगा टिप्स ऐसा नहीं ये ऐसा करो वैसा नहीं ऐसा करो ऐसा मैम आपने क्या टिप्स दी बोला ये बोला बहुत अलग किया है जब आप देखेंगे सॉन्ग आपको पता है
मुझे कोई डांट नहीं लगा सकता कोई बोला तू क्यों नहीं आपने सुना है कि आपकी एक मूवी भी आने वाली है बॉलीवुड के बहुत बड़े मैं नाम रिवील नहीं कर रहा अगर आप रिवील करें तो अलग बात है तो एज अ विलन आप उस मूवी में आ रहे हो तो कुछ कहना चाहोगे उस मूवी के बारे में एक बहुत बड़े से बॉलीवुड के एक्टर हैं जाने माने तो उनके साथ एक मूवी अभी कर रहा हूँ छोटा सा रोल है मगर मेरे लिए वो फर्स्ट बॉलीवुड का बहुत बड़ा एंट्री है देखो दुआ में याद रखना अभी तक तो आपने मेरे को इतना सालों से देख रहा आपने मेरे को प्यार ही दिया और जब भी आता हो तो पहला तो बस अच्छा लगता है आप लोगों को देख के तो कैरेक्टर क्या है वो मतलब विलेन का रोल है मेरे को कोई हीरो का रोल देगा सौ बात की एक बात हीरो का कोई बोलेगा कि हीरो मेरे को विलन ही बनाएंगे क्योंकि हरकतें मेरी विलन जैसी है हां तो विलन का ही रोल है उसमें मगर बहुत बड़ा पिक्चर है वो अभी नाम नहीं ले कर सकता हूं मगर बहुत जल्दी देखने को मिलेगा हां ऑफिस में दुल्हन गायब है दुल्हन ए बाबा उधर क्या नाच रहे ले इधर भी आओ ना ए आइटम लोग तुम काय को उधर खड़े लिए अरे पहले बंदे को जांचने का और भाऊ ने बोला नाचने का तो नाचने का थैंक यू क्या क्या उनको बहुत सारी ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं क्योंकि वो इंसान ने मेरे को बिग बॉस में जो प्यार दिया था जब मैं अकेला खुद को महसूस करता था तो वो ही एक था जो वीकेंड के वार में आके मेरे को एकदम ताकत देता था तो बिग बॉस के बारे में आप क्या कहते हैं अरे एक तो बोलने दे उसको नहीं देखा मैंने देखा ही नहीं और काफी लोग को मैं पूछा हूँ कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है तो वो मेरे को बोलते हम लोग भी नहीं देखा अभी करेगा जिसको एक बार अपना मान लिया ना तो फिर जिंदगी भर फिर और जो दिमाग में गया ना तो फिर भी जिंदगी भर ऐसा मैंने अभी मैं अभी और तीन सॉन्ग कर रहा हूँ दो वेब सीरीज कर रहा हूँ एक बॉलीवुड कर रहा हूँ हो जाएगा थोड़ा थोड़ा आपके आशीर्वाद स्पेशली ये सॉन्ग के लिए आपके फैंस का क्या रिव्यू है क्या कितना पसंद है आपके देखो हम तो मजे ही करते तेरे को मालूम है कितना टाइम से मालूम है फुल धमाल ही करता है मैं वो मेरा सॉन्ग रहने दो किसका किसी का भी सॉन्ग दो रात हो गया बेटा है तो फिर लगना मत है गाना हां अभी इस सॉन्ग में भी आपने कुछ थोड़ा लाइन गाया है तो क्या आने वाले समय में आपका एक पूरा गाना आ सकता है रैप सॉन्ग या एक पूरा एक एल्बम बस बस क्या होता है मालूम है जो चीजें जिसको करनी है ना जिसको नॉलेज है वो करेगा अच्छा लगता है ना अभी कैसे इन लोग प्यार से बोलते कि भाऊ ये थोड़ा सा बोल दो तो थोड़ा सा बोल देते हैं पर जिसका वो काम है ना सिंगिंग का वही करेगा तो अच्छा लगता है ना इसे भी सेट का माहौल कैसा था भाऊ के साथ में तो मजा ही आ गया सर माहौल कैसा था बहुत अच्छा था बहुत नया एक्सपीरियंस था और हमने एक टीम की तरह काम किया है इस एल्बम में और आई थिंक के मेरे को एक्टर्स थे कास्ट हिंदुस्तानी में और एलओसी स्टार बॉय उन लोगों ने भी बहुत मुझे कंफर्टेबल किया तो इस वजह से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था महल था महल जिसमें हम लोग ने किया ना वो महल था किसी का बहुत जबरदस्त था वो जबरदस्त शूटिंग ना हुआ कोई शूटिंग के दौरान यानी मेरे को आज भी याद है 19 तारीख को मैं सुबह पहुंचा और मैं शाम को मेरी शूट चालू थी और रात को 11:30 बजे मेरे घर से कॉल आया
कि माँ की तबीयत बिगड़ गई, तो रातों रात मैंने वो छोड़ के निकल गया था। तो वो एक हादसा मेरे साथ हुआ था, तो रातों रात मैं छोड़ के सुबह के फ्लाइट से निकल गया था। वो एक अच्छा एक हादसा हो गया था, बाकी सब उधर सही था। उसी दिन ही, उसी दिन 19 को था ना अपना, 19 को था और मैं 20 के सुबह की फ्लाइट पकड़ के इधर आ गया, क्योंकि उनसे बढ़कर नहीं ना, जब बिग बॉस छोड़ के आया उनके लिए तो फिर ये क्या चीज है, दुनिया छोड़ दी, सबसे बड़ी माई होती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे फैजल भाई, बहुत अच्छा सपोर्ट किए, बहुत अच्छा है। उनके साथ मैंने जब पहला गाना किया था, उन्होंने ये किया था, तब मेरे को एक्टिंग विक्टिंग मालूम नहीं था, तो वो गाना था वो पैक का है, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था, भाऊ ऐसा कर सकते आप टेंशन मत लो, आप कैसे कर सकते हैं। तो वो करने के बाद मेरे को उनके साथ घर जैसा रिश्ता हो गया। वो फिर गजाला भाभी उनकी वाइफ और एक शोएब करके अपना जो प्रोड्यूसर है बच्चे अपना छोटा भाई है, वो भी सपोर्ट किया उन्होंने। फिर उसके बाद में उनके साथ मुंबई मचान किया, फिर स्ट्रॉबेरी किया, और भी फ्यूचर में बहुत सारा ऐसा सोचा है, करेंगे। इंद्रजीत भाई, आप सबके लिए आवाज़ उठाते हैं, सच की आवाज़ उठाते हैं, तेज बोलते हैं, कुछ लोग आपको बुरा मानते हैं, कुछ बोलते हैं अच्छा बोलते हैं। आज की अगर बात करें, सबसे बड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन है। कल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें किसान नहीं और कोई आउटसाइडर दारू पी रहे हैं, नाम किसानों का हो रहा है। तो ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है कि अय्यासी कर रहे हैं लोग, मतलब क्या कहना चाहेंगे इसमें, जो बाहर के लोग अपनी क्या से करें। इसमें क्या हो, ये अभी आपने बोला ना, ये करोड़ों की बात बोला, इसमें बहुत लोगों ने ना अपनी दुकानें चला रहे, वहाँ पे पिज्जा चल रहा है, पिज्जा खा रहे हैं, तो रहे, बहुत सारे लोग ना अपनी दुकानें चला रहे। और सच में अगर सच में किसान है ना जिसको इंसाफ मिलना चाहिए, ये लोगों की वजह से उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, ये लोगों के वजह से, क्योंकि जो ये कुछ वीडियो ऐसे वायरल हो रहे ना, जो दिखाया जा रहा है कि किसानों के बीच कोई ऐसे, अभी फिर अपना मेरा जब आता है इधर तो फिर मुझसे निकल जाता है, नाच रहे थे कल रात, हाँ नहीं वो तो है, मगर बहुत ऐसे एक आया था सेलिब्रिटी, दो कौड़ी की औलाद औकात है उसकी, जिसने बहुत गंदा स्टेटमेंट दिया था, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, ऐसे बहुत सारे आए थे, बहुत सारे, जिसके वजह से आंदोलन ना खराब हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये किसानों को इंसाफ मिले, सरकार सुने उनका, क्योंकि ये हमारे अन्नदाता है, ये है तो हम है, ये है तो हमारे घर में आज ना आना चाहिए, वरना नहीं हो सकता है ना। तो इनका इनका जो जितना हो सके इनको सपोर्ट करना चाहिए सरकार ने, मगर कुछ लोग ना अपनी दुकानें चला रहे, रोटियां सेक रहे, उनके वजह से ये तकलीफ हो रही है। और कुछ क्या, आप दिल्ली जाना चाहोगे, क्यों जाओ, और उसके लिए अगर आपको बुलाया जाए। देखो आपको ये बात तो एक बात बताता है कि मेरे अकेले से ना कुछ नहीं होता है, वहां पे जितने बैठे ना दुकान खोल के, तो दुकान खोल के जितने बैठे ना वो किसी को आने नहीं देंगे। अगर मेरे को किसी ने बुलाया ना किसान के लिए, तो मैं पहला खड़ा होगा, उधर पहला जाएगा। अपना आइडियल मानते हैं सर, आपको कुछ लोग हैं जो अभी बोला तो गलत लेकिन सही बोला, ये चीज मानते हैं, आप बोलते हैं गुस्से से बोलते हैं, लेकिन आप आपकी बात जायज होती है, बोलना चाहिए ना। अभी आप मेरे को बोलते हो कुछ लोग हैं ऐसे जो बोलते हैं भाऊ गाली देता है, अरे गाली देता है ना, किसको गाली देता है, मैं किसको गाली देता है, हमारी माँ बहने के रास्ते पे पड़ी है क्या, तो कोई भी उसको गाली देगा, पर हम सुन के देगा ठीक है मैं गाली देता है ना, तेरे को लगता है मैं गाली देना छोड़ दूँ, तू तेरे तरीके से समझा, MBBS है ना तू समझा, इंजीनियर है ना तू समझा ना, अगर तेरे बोलने से अगर वो सामने वाला सुनता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता किसी के माँ बहन को गाली देना, मगर वो समझते ही वैसे तरीके से तो मैं क्या करूँ, फिर समझाना पड़ता है मेरे को, झाड़ू लगते मुर बनाना पड़ता है, बना तो फिर समझ जाते। अभी टोटल पाकिस्तान के बड़े से बड़े 48 यूट्यूबर थे, जिनके 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन ऐसे बड़े बड़े सब्सक्राइबर थे, 48 में से 2 जन बाकी है, 46 ने अपनी दुकान बंद कर ली, उनको मालूम ये एड़ा कल्ला गाड़ी में बैठेगा, जय हिंद दोस्तों बोलेगा और फिर कुरकुरे खिलाएगा, अगर देश के खिलाफ बोलेंगे ना इनके तो ये फिर ऐसा करेगा,
तो किसके वजह से बंद हुआ? मेरे वजह से ना। उनको बोलना हमारा तिरंगा जलाना बंद कर, मैं गाली देना बंद करेगा। उनको बोलना हमारे देश के बारे में बोलना बंद कर, ये बोलना बंद करेगा। मेरे को भी नहीं अच्छा लगता, अगर सुनते ही तरीका वो तो फिर क्या करूँ, बोलना पड़ता है ना। क्या प्लान से इस बार? वैसे तो कोरोना काल चल रहा है, आप बोलेंगे तो पार्टी करेंगे। अगर सरकार इजाजत देगी 11 के बाद तो पार्टी करेगा, मगर नहीं देना 11 बजे बंद, 10:30 बजे घर पे कुछ नहीं। ओके इसके लिए आज कानून का रिस्पेक्ट करके जितना हो सके हम छोटा मोटा अपना प्रमोशन करके आप खाना भी ना खाओ घर पे जाओ। अपने फैंस को क्या विश करना चाहोगे 2021 अभी जो नया साल आ रहा है उसके? हाँ, ये पहला तो ये पन हुआ थी ना, 2020 जाने दो। और नए साल की आप सबको, आप जितने भी, क्योंकि आप एक ना ये देश का बहुत बड़ा ना आंख है, आपके वजह से दुनिया दिखती। तो पहले तो आप लोगों को और आपके पूरे परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, खुश रहो। निपुण भाई आपके लिए एक सवाल है कि सबसे अच्छी फिल्म आज तक कौन सी लगी आपको, जो आपके दिल के काफी करीब है? क्या तो मेरा डार्लिंग है, सबको मालूम है, वास्तव। तो वास्तव का आपने अपनी लाइफ में भी वास्तव कुछ चीजें आपने डाल ली है, उसका स्टाइल सजत का चेन सोने की? उसका स्टाइल, उसका चेन ऐसा कुछ भी, मैं जब ना 13-14 साल का था ना, तब से मेरे माँ बाप ने मेरे को लाड़ प्यार से बड़ा किया, तब से पहनता है। फर्क इतना ही होगा कि वो मेरे को अच्छा लगा तो लोगों ने बस एक स्टैम्प मार दिया कि संजय दत्त का स्टाइल मार दिया, तो डार्लिंग ही अपना अच्छा लगता है। टाइटल कहाँ से पड़ा भाव? खाली भाव खाली भाव है। जो आपका रियल नेम जानते हैं, रियल नेम क्या है आपका, जो भाव कैसे पड़ा ये बता। जब पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें हमारे 47 जवान शहीद हुए थे, पता है आप लोगों को ना, शहीद हुए थे, जब उनके घर वालों को उनका किसी का एक उंगली मिला, किसी का तो पूरा बॉडी नहीं मिला, खून जमा करके वो बाल्टी में डाल के अंतिम संस्कार किए थे, तो मैंने वो देखा था, तो मैंने देखा था कि वहां के लोग कितना मजाक उड़ा रहे अपने देश का, यूट्यूबर बड़े से बड़े, और यहाँ जो शरीफ लोग बैठे वो, हाँ हम तो क्या कर रहे हैं। तब वहां पे एक इंसान का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया हिंदुस्तानी भाव। तब से मैं इनके पीछे लगा, वो आज तक लगा, जो भी गलत करेगा मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, मैं परवाह भी नहीं करता। कुछ लोगों का कहना है कि आपको पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं पॉलिटिक्स में आया, अगर मैं पॉलिटिक्स में आया तो मेरे से ऊपर बेटा एक नेता क्या बोलेगा, ए भाऊ बोलने का नहीं। और आज ये भाऊ जो बोलता है ना, वो करोड़ों लोगों की जबान बोलता है, जो वो नहीं बोल पाते वो मेरे को बोलना पड़ता है। तो इसके लिए पॉलिटिक्स में नहीं जाना, मैं खुश है, मेरे साथ करोड़ों जनता है। आपके कितने अकाउंट डिलीट किए गए, आपके ऊपर एलिगेशन डाले गए, क्या करेंगे? हाँ, उसके सिवा क्या कर सकते। तो आपको लगता है जितने मगर उनको ये नहीं मालूम कि मेरा अकाउंट कभी भी चला जान दो, मैं दूसरे दिन वापस अकाउंट खोलता हूँ, उधर 2-3 लाख ऐसे हो जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखो आपके, आप जो रास्ते से चलते हो ना, तो ऐसे बहुत मुकाम आएंगे जो आपको गिराने की कोशिश करेंगे, समझा? बहुत लोग सोचते है कि और चूतिया चांद पे और शामिल लोग काम पे, समझा? बाबू जब पुलवामा अटैक हुआ था तो सभी ने प्रोटेस्ट किया था, अपना निषेध जाहिर किया था, लेकिन आपने सबसे अनोखे अंदाज में किया था और वो हमने, हमारी टीम ने कवर भी किया। हाँ। तो आपने, मैंने सीधा लिखा था मेरे गाड़ी पे लिखा था, पाकिस्तान की, हाँ गाड़ी पे पूरे जिसमें जब कैंडल का रखा था ना, उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे सारे, इधर स्टेज पे भी लिख के रखा था। पहला बाप है सोशल मीडिया, देखो खुलेआम गाली देता है। वीडियो छांट के पाकिस्तान टीवी दिखाते हैं, इंडियन के जो साफ सुथरे वीडियो होते हैं, किसी को डंडा मारेंगे ऐसा होता नहीं है। आप तो उनके ऊपर अभी दिखाया गया, इंडियन जो मीडिया है बहुत कुछ दिखाती है,
सकते हैं उसको, कैसे कम कर सकते हैं? क्यों वो तो एक्शन लेते हैं क्या नहीं, मोदी के बारे में कुछ कुछ बोलते हैं। इन लोग ने ऊपर वाले को छोड़ा नहीं यार, हम तो बहुत छोटे इंसान लोग ही ऐसे है ना, पांच उंगली एक जैसी है क्या? उसके ऊपर वालों को छोड़ा नहीं तो हम क्या छोड़ेंगे, चलते रहता है भाई। तो आज के बाद वो पहले बोलते थे ना, चलते तो कुत्ते भोंकते हैं, उनको पत्थर मार मार दो। अभी क्या करने का उन्होंने, 100 रुपए का बिस्किट रखने का जेब में, कुत्ते पीछे भोंकना चालू किया ना, एक ही डालते रहे। इनको आप ब्लेसिंग दो, ये बहुत अच्छे एक्टर है। इन्होंने 2 साल वो एक्टिंग क्लासेस में भी ये किया है, और बस यही चाहता हूँ कि आप इनको सपोर्ट करो, बस जैसा मेरे को आज तक आपने किया, मैं चाहता हूँ कि इनको भी सपोर्ट करो बस। ओके सर, ईशा मैम, जिस तरीके से अभी सर का जो एटीट्यूड है या उनकी जो पर्सनालिटी है, ऐसा एल्बम में भी देखने मिला था आपको? नहीं, एक्चुअली उसमें बहुत ही डिफरेंट है, आप जब देखेंगे आपको पता चलेगा, बहुत अलग लुक भी में बहुत अलग है और बिहेव में तो बिल्कुल ही अलग है। बहुत ही डिसेंट परफॉर्म किया है उन्होंने, बहुत ही अच्छा, फुल ऑफ मस्ती सॉन्ग, आप शायद उस रूप में फर्स्ट टाइम देखेंगे हिंदुस्तानी पावर। थोड़ा सा पर्सनालिटी चेंज लगेगा सर इसमें? हां, मेरे को ये कुछ भी बल पहना देते ना, ये पेन वो पेन ये पेन पूरा बल जोकर बन गया। फर्स्ट टाइम तब सुना आपने कि आपके साथ में कोच था सनी भौजी, तब आपके मन में आकर एक सिंगर था जहाँ पर नींद आई और सब सेट हो जाता है। आई वाज वेरी एक्साइटेड, मुझे बहुत खुशी थी कि मैं अपना फर्स्ट सॉन्ग कर रही हूँ और हिंदुस्तानी पॉप के साथ कर रही हूँ, और नर्वस भी बहुत थी, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत कंफर्टेबल किया गया, उन्होंने बहुत करने बोला कितना सॉल्व किया, तो ही मैं मतलब ये कर रही कुछ वीडियो के देखते भाव के डर लगा था मैम स्टेज पे आने से पहले। मैं चुप बैठ रहे जो नहीं डरता उसको भी डरा देंगे। पर मैंने जैसे बताया उनकी वीडियो से मेरे एल्बम का कुछ लेना देना नहीं है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन जो हमारा सॉन्ग है वो एकदम डिफरेंट है, फुल ऑफ मस्ती और फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। वेट काफी कम कर दिया आपने भाव, सबको मालूम है। मैं एक बार खाना खा लिया ना तो वैनिटी वैन में जाके सो जाता हूँ। लेकिन ये रूमर है कि आप एज ए हीरो आ रहे हैं, बताना नहीं चाहते हैं कोई फिल्म में आप आ रहे हैं? कौन लेगा भाई को बताओ, मैं ऐसा कुछ नहीं है। खलनायक में भी था संजय दत्त, वास्तव में भी संजय दत्त। ओके सर, देखो ना आगे अभी आएगा उसको देख लो। ओके सर, बस थैंक्स सो मच, थैंक यू सर, थैंक्स सर।